व्यवस्था खाली या बेरुखी सरकारी, यूं भारी है डिग्री पर बेरोजगारी। पीएचडी इंजीनियर ने दी है अर्जी, चपरासी के लिए भी मारा मारी, 368 के लिए 23 लाख। जी हाँ, मोटी मोटी किताबें पढ़ी, बड़ी बड़ी डिग्री हासिल की, किसी के नाम के आगे डॉक्टर लगा, किसी के नाम के आगे इंजीनियर, लेकिन तब क्या हो जब चपरासी की नौकरी के लिए भी लाले पड़ जाएं, बेरोजगारी उन डिग्रियों पर भारी पड़ जाए। आंकड़ा मत देखिए, उत्तर प्रदेश का एक और नमूना देखिए। व्यवस्था की बदहाली या बेरुखी सरकारी, यूं भारी है डिग्री पर बेरोजगारी। पीएचडी इंजीनियर ने दी है अर्जी, चपरासी के लिए भी मारा मारी, 368 के लिए 23 लाख। असल में यूपी सचिवालय में चपरासी के लिए 368 पदों के लिए 23 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें डॉक्टरेट और इंजीनियरिंग किए हुए लोग भी शामिल हैं। वहीं सरकार भी परेशान है कि कैसे इतने लोगों का इंटरव्यू लिया जाए, क्योंकि अगर 10 बोर्ड भी बना दिए जाएं तब भी इंटरव्यू पूरे होने में करीब 4 साल 1 महीने का वक्त लगेगा। न जाने कितने अरमानों के दरमियान दिए जाते हैं जिंदगी में इम्तिहान तालीम के लिए। कोई पढ़ लिख कर प्रोफेसर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर, लेकिन तमाम तरह की ये डिग्रियां बेरोजगारी पर भारी पड़ गई। यूपी विधानसभा सचिवालय में चपरासी के लिए डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक लाइन में लगे हैं। चपरासी के 368 पदों के लिए 23 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। इनमें 255 लोग पीएचडी हैं, 1,53,000 बीटेक, बीए, बीएससी, बीकॉम, 25,000 एमएससी, एमकॉम और एमए, 75,000 लोग वो भी हैं जो 12वीं पास हैं। चपरासी के लिए निकला था, हमने पीएचडी किया है। इतना बेरोजगारी है, बेरोजगारी को देखते हुए नौकरी मिल नहीं रही है, इन्होंने सोचा चपरासी की नौकरी मिल जाए। यानी विधानसभा सचिवालय के इन गलियारों की बेंचों पर अब बड़े बड़े विद्वान चपरासी बैठेंगे, जबकि सरकार की तरफ से केवल 2 योग्यताओं का था पैमाना। केवल 5वीं पास हो आवेदक और उसे आता हो साइकिल चलाना। लेकिन बेरोजगारी की मार हर मार से बड़ी होती है। निश्चित रूप से इस प्रकरण के बाद ये सोचने के लिए व्यक्ति को मजबूर होना पड़ेगा कि चपरासी के लिए जिस तरह पीएचडी, एमबीए और पोस्ट ग्रेजुएट लोग चपरासी के लिए आवेदन कर रहे हैं, एक लड़का जो बीटेक में 15 लाख की पढ़ाई करता है उसके बाद भी मतलब यहाँ चपरासी के लिए अप्लाई करे और उसके बाद भी पैसा दे के चपरासी में हो, ये उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी की विषम स्थिति को दर्शाता है। चतुर्थ श्रेणी की नौकरी के लिए प्रथम श्रेणी पास भी लाइन में लगे हैं। मजबूरी तो कुछ भी कराती है, क्यों बनते हैं ऐसे हालात? जिस तरह की बात उत्तर प्रदेश सरकार इसको उत्तम प्रदेश के बनने की बात करती है, यह बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में इतनी है कि जहां 400 के करीब पदों के लिए 23 लाख लोग फोर्थ क्लास एम्प्लाई के पद के लिए आवेदन कर रहे हो, तो इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश किस तरह से बेरोजगारी से ग्रस्त है। बहरहाल 368 पदों के लिए 23 लाख से ज्यादा अर्जियां, उत्तर प्रदेश का यह उदाहरण बताने के लिए काफी है कि कितनी बढ़ गई है बेरोजगारी। लेकिन सवाल है, ये सरकारों की बेरुखी है या व्यवस्थाओं की बदहाली? आखिर क्यों डिग्री पर भारी है बेरोजगारी? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो चपरासी के पद के लिए भी मारामारी हो रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये व्यवस्था की बदहाली है या फिर सरकार की बेरुखी। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक जुड़ चुके हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, आखिर कैसे पैदा हुए ये हालात? देखिए, पहले तो मैं कहूंगा आज की जो बहस है ना, ये आज की सरकार या इसके ठीक पीछे की सरकार का मसला नहीं जी, ये मसला है उत्तर प्रदेश में दशकों की समस्या का। जो लोग इसके लिए भर्ती के लिए आवेदन किए हैं ऑनलाइन प्रक्रिया में, 23 लाख से ज्यादा लोग, वो सारे लोग किसी एक सरकार की नीतियों का परिणाम नहीं है, वो सरकारों की नीतियों का परिणाम है। आईना इस वक्त दिखा है, ये बात ठीक है। आज
कांग्रेस को, भाजपा को, सपा को, बसपा को, सबको, जो लोग उत्तर प्रदेश के हुकूमत पर रहे हैं आने वाले वह पिछले कुछ समयों में, उनको सोचना पड़ेगा। आखिर देश का सबसे बड़ा सूबा, वहां ऐसी दारुण स्थिति, ऐसी कारुण की स्थिति क्यों पैदा हो गई? पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा चपरासी के लिए फॉर्म भर रहा है, बीटेक एमटेक किया हुआ बच्चा, एमबीए किया हुआ बच्चा चपरासी के लिए फॉर्म भर रहा है। अजब स्थिति है, अजब तमाशा है। और एक उत्तर प्रदेश में एक विचित्र विसंगति है जिससे आसानी से बचा जा सकता था, पता नहीं सरकारों के पास विजन क्यों नहीं आया। आंकड़े कहते हैं बीसियों लाख पद खाली हैं, बीसियों लाख हर विभाग में, और चपरासी के लिए 23 लाख बच्चे आवेदन कर रहे हैं 368 सीटों के। कम से कम ये तो रोक सकते हैं हम। मैं नहीं कहता कि एक एक जादू की छड़ी से सारी बेरोजगारी दूर हो जाएगी, लेकिन जितने पद खाली हैं उतने पर ही लोगों का समायोजन हो जाए तो बेरोजगारी की जो कतार है वो थोड़ी छोटी तो होगी, पूरी समाप्त ना सही, कुछ तो छोटी होगी। एक, और लोगों को सरकारी नौकरी से इतर जीवन कैसे जिया जा सकता है, जीविकोपार्जन कैसे हो सकता है, इसमें भी सरकारों को सोचना चाहिए। सर, किसी भी सरकार के पास इतनी नौकरी नहीं हो सकती कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में बेरोजगारी समाप्त हो जाए। लोग क्या करें बिना सरकार की नौकरी के ताकि आजीविका का पालन कर सके, इस पर भी आज इस बहस में चर्चा होनी चाहिए, ये मैं चाहूंगा। बिल्कुल विजय बहादुर पाठक जी, जिस तरीके से अमिताभ जी ने बताया कि 20 लाख से ज्यादा पद खाली हैं हर एक विभाग में, फिर ऐसे हालात क्यों बने, ऐसी स्थिति क्यों बनी? गायत्री जी, अमिताभ जी ने पूरे पूरे दृष्टिकोण, पूरे इस चर्चा को व्यापक दृष्टिकोण में रखने की कोशिश की है और मुझे लगता है इस बहस के कुछ सार्थक परिणाम में निकलेंगे। मैं अमिताभ जी की इस बात से सहमत हूं कि सरकारी नौकरियों से बेरोजगारों की प्रतिपूर्ति नहीं हो सकती, उसके लिए अन्य रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। लेकिन जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश में एसोचैम की रिपोर्ट है कि फरवरी 2015 से ठहराव सा आ गया है नौकरियों में। पिछले 40-42 महीने की वर्तमान सरकार की बात करेंगे, ऐसा भी नहीं कि पीछे की सरकारों ने बहुत बेहतर काम किया है, लेकिन वर्तमान सरकार की हम चर्चा करेंगे तो जितनी नियुक्तियां निकल रही हैं उन नियुक्तियों में कहीं न कहीं प्रक्रियात्मक दोष के कारण उन पर सवाल खड़े होते हैं। सवाल खड़े होने के बाद वह मामले न्यायालय में चैलेंज होते हैं और न्यायालय में वो नौकरियां रुक जा रही हैं। यही नहीं, इन नौकरियों को जो देने वाले लोग हैं उन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में अभी मैं एक पीएचडी डिग्री धारक की बात आपके यहां बाइट भी सुन रहा था कि ऐसे में लोगों को लगता है कि कहीं तो नौकरी मिले, तो कहीं तो नौकरी मिले, इसलिए उन्होंने प्रयास किया और स्थितियां ये हो रही हैं कि नौकरी मिल नहीं रही है, पद रिक्त है। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन के आए थे तो उन्होंने बड़े भरोसे के साथ कहा, और तब भी मुझे ध्यान है कि एक आंकड़ा आया था और बिग बुलेटिन में हम सब बहस भी किए थे कि राज्य में 68% पुलिस बल की कमी है, अकेले पुलिस में। जब 68% पुलिस बल की कमी है तो उसकी भर्ती हो सकती थी। शिक्षा विभाग में पद रिक्त हैं, तमाम नौकरियों के जिन पर रोक लग रही है वो देखे जा रहे हैं, तो उस तरफ प्रयास हो सकता था। और मैं दूसरी बात से भी सहमत हूं कि इस दिशा में रोजगार के और साधन उपलब्ध कराने चाहिए। मुझे लगता है कि अब मैं कहूंगा तो फिर उसका राजनीतिकरण होगा, लेकिन भारत की सरकार ने मुद्रा बैंक के माध्यम से 25 सितंबर से एक प्रयास करने की कोशिश की है। कितना सफल होगा, कितना उसको व्यापकता मिलेगी, यह तो प्रदेश की, देश की जनता बताएगी, लेकिन एक प्रयास है उस दिशा में भी और कोशिश होनी चाहिए। जी सुरेंद्र जी, बेसिक शिक्षा और पुलिस, इसको जोड़ दें तो करीब 5,35,000 लोग नौकरी पा सकते हैं सिर्फ दो विभाग में। मैं इसमें एक शब्द इस्तेमाल करूं, नौकरी पाना की तो स्थिति गुजर गई, खप सकते हैं। आज हमको बोलना पड़ेगा खप सकते हैं, अब तो खपाने की बात आ गई। ठीक, जिनको मिल गई वो सड़क पर, उनकी रद्द हो गई, जिनको नहीं मिलनी चाहिए वो भी सड़क पर, और चपरासी के लिए मारामारी, कहीं आत्मदाह, कहीं आत्महत्या, कहीं रेल रोको, कहीं ट्रेन रोको, कहीं पुतला जलाओ, क्या स्थिति बन गई है? मैंने एक दिन कहा था, अभी परसों शायद बिग बुलेटिन में, ट्रेन खाली है सुरेंद्र भाई, पूरी ट्रेन खाली और प्लेटफार्म पर लठी लठा।
इस पर रोए कि क्या सिर्फ दीवार में दे मारे, क्या करें भाई? ट्रेन भरी हो फिर प्लेटफॉर्म पर लाठी चले समझ आता है, ट्रेन पूरी खाली है, मैंने बताया 5.25 लाख तो केवल दो ही विभागों में समायोजित हो सकते हैं। अभी मैंने स्वास्थ्य को नहीं जोड़ा, हायर एजुकेशन नहीं जोड़ी इसमें, लेखपाल मतलब ये तहसील वाला डिपार्टमेंट नहीं जोड़ा, राजस्व नहीं जोड़ा, बहुत सारे विभाग हैं, क्या करें? ट्रेन पूरी खाली और प्लेटफॉर्म पर लोग लहूलुहान हो रहे हैं। अमिताभ जी, बहुत सी बातों को आपने अपने सारी चर्चा में शामिल कर दिया और बहुत ही सारगर्भित आपने चर्चा की। सच्चाई यह है कि आरोप प्रत्यारोप और ये सारी बातें करने से तो लाभ नहीं है, कोई समाधान नहीं, क्योंकि पिछले दिनों में लगातार कुछ ऐसी मानवीय घटनाएं होती जा रही हैं, दुर्घटनाएं होती जा रही हैं, जिसमें आरोप प्रत्यारोप लगाने का मन नहीं कर रहा, चाहे वो शिक्षा मित्रों की बात हो, टीजीटी की मामले की बात हो, गणित के और विज्ञान के सहायक अध्यापकों की बात हो, पुलिस वालों की बात हो, या ग्राम विकास अधिकारियों की बात हो, आपके सामने सारे प्रश्न सामने हैं। यहां पर मैं एक बात कहना चाह रहा था आपके माध्यम से, और मैंने एक जगह लिखा भी था इस चीज को, उत्तर प्रदेश एक विधि सम्मत मानवीय त्रासदी की ओर बढ़ता दिख रहा है, और उस मानवीय त्रासदी में खाली मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार हो, इससे पहले की सरकार हो, या 1990 से लेकर के आज तक जितनी सरकारें हो, चाहे जिसने समर्थन दिया हो, और प्लस इस वक्त की जो इस जो वर्तमान में केंद्र की सरकार है, और चाहे इससे पहले की सरकार की कुछ जो चीजें हों, लेकिन कहीं ना कहीं सब लोग सामूहिक रूप से इस बुरी तरीके से जिम्मेवार हैं कि ये लोग आने वाली नस्लों को जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं यहां पर 2-3 बातें रख रहा था आपके सामने। एक बात तो सबसे बड़ी ये थी कि जो पद खाली हैं, उन पदों पर जो संविदा के रूप में समायोजन कर रखा है गैर वाजिब एजुकेशनल बैकग्राउंड्स का, जिसकी वजह से जब आप उनको संविदाओं को रेगुलर पदों पर आप जब शामिल करते हैं तो वो सारी जो चीजें कोर्ट में जाती हैं, जो यहां पर अभी शिक्षा मित्रों वाली जो बात है जो आप हमेशा से उठाते आए हैं, आप देखें 1,72,000 एक और 88,000 टीजीटी वाले एक, एक एनसीटीई के मानकों पर और दूसरे लोग 2000 से उस शिक्षा व्यवस्था को संभालते हुए लोग, आप इस चीज को देखें किस प्रकार का वर्ग संघर्ष और किस प्रकार की मानवीय त्रासदी की ओर उत्तर प्रदेश की सर, इसमें थोड़ा सा 30 सेकंड और दे दीजिएगा सर। जी 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 तो जी तो ये जो मानवीय त्रासदी की ओर उत्तर प्रदेश को बढ़ा रहे हैं, ये हमारी राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ ये प्रशासनिक व्यवस्था जो है, जो 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 गुप्ता या श्रीवास्तव जो आपके ये सचिव हैं इसके एजुकेशन के, इन जैसे लोग जो मिसगाइड कर रहे हैं सरकार को, ये लोग। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं कि ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि रोजगारों के अन्य अवसर, अभी रोजगारों के अन्य अवसरों का पे कुठाराघात केंद्र की सरकार, विजय भाई मैं क्षमा के साथ कहता हूं, कोई बहुत बड़ा आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन सच बता रहा हूं आपसे कि अभी उत्तर क्या नाम भारत के प्रधानमंत्री ने कल एक रिपोर्ट जारी करवाई है विश्व बैंक से, और वो विश्व बैंक की रिपोर्ट में गुजरात को नंबर 1 दिखाया गया, उत्तर प्रदेश को नंबर 10 दिखाया गया है बाकी सारे औद्योगिक पायदानों के नाम पर। अगर आप उसकी रिपोर्ट की पहली लाइन पढ़े अमिताभ जी, तो वहां पहली लाइन में लिखा हुआ है कि दिस रिपोर्ट इज डिमांडेड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। वन सेकेंड थिंग, दिस रिपोर्ट इज नॉट मेड बाय वर्ल्ड बैंक, इट इज मेड बाय द KPMG। किसी जैन हमारे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी के नेता, उनसे पूछा बहुत सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, अगर आप जल्दी से कंप्लीट समाजवादी रिपोर्ट में क्या आया है, जिसको भी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट लेकर के भाजपा के लोग हमारे मित्रगण बहुत ज्यादा उत्साहित है, उसमें ये लिखा गया है कि अब PPP मोड भी नहीं चलेगा, अब आप सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करिए, प्राइवेट लोगों को आप क्या नाम जगह दीजिए और प्राइवेट लोगों को आप एंटरप्रेन्योरशिप दीजिए। ठीक बात। तो सरकार का सारा काम कुछ अडानी और कुछ अंबानियों को दिए जाने की साजिश रच रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कहां से रोजगार हो? ठीक है सुरेन जी, ठीक जैन साहब, सुरेन भाई, केसी जैन साहब जी, नमस्कार जी। नमस्कार भैया, पूरी ट्रेन खाली और प्लेटफार्म पर कटाजुज, समझ गए आप बात मेरी कि नहीं जी?
पुलिस और सुन लो पूरी बात, पुलिस और बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश में, बेसिक शिक्षा, इसमें 5.25 लाख लोग खप सकते हैं कल सुबह तड़के, ठीक। और उसके बाद हायतोबा मच रही, 368 चपरासी के पोस्ट के लिए 23 लाख बच्चे आवेदन कर रहे हैं। जैन साहब देखिए अंताज जी, कि ये कोई ऐसा 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 आंकड़ा नहीं है कि तत्काल कोई पैदा हुआ आंकड़ा, और ये तो मैंने कहा ही नहीं भैया, ये तो मैंने कहा ही नहीं। नौकरी के लिए मारामारी हमेशा रही है अंताज जी, और जो सरकार का काम है, सरकार का काम है नौकरी देना, जो नौकरियां हैं। जैन साहब मुझे अपनी जैन साहब मुझे जरा याद करके बताओ, मुझे याद करके बताओ, 368 चपरासी की पोस्ट के लिए 23 लाख लोग कब कब अप्लाई किए गोविंद वल्लभ पंत से लेके आज तक, आप मुझे बता दो, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। नहीं मैं देखिए जो जो डाटा आपने रखा, मैं गिनती की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अरे मारामारी अलग चीज है भाई, लेकिन कोई सीमा होगी, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे चपरासी के लिए अप्लाई कर रहे करके, और ये मायावती ऊपर चले के लिए हमेशा रहा, कोई ये पहली बार नहीं है, और सरकारी नौकरियों में हमेशा मारामारी जनता थी। अरे मारामारी अलग चीज है, लेकर के आप सवाल नहीं समझ पाए, शिक्षा दे रही हो चाहे सचिवालय में हो, ये हमने हमेशा देखा है। नहीं नहीं आप सवाल मेरा नहीं समझे, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने केसी जैन साहब मैंने दो बातें कही, आप शायद सवाल का मूल नहीं समझ पाए। मित्र मैं बहुत क्षमा के साथ कहूंगा विनम्र भाव से, मेरा निवेदन दो विषयों पर था, एक 368 के लिए 23 लाख, ये आंकड़ा कभी नहीं आया उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व, एक दावे से कह रहा हूं, गंभीरता से कह रहा हूं, ठीक। दूसरा आंकड़ा ये कह रहा हूं, चपरासी के लिए पीएचडी एमटेक बीटेक एमबीए ने कभी ऐसी मारामारी की हो, ये मैंने नहीं देखा, 25 साल तो पत्रकारिता करते हो गए और 35 साल अखबार पढ़ते हो गए, इससे ऊपर आपने देखा हो तो आप मुझे गाइड करो। नहीं नहीं अंताज जी मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी भैया, कम और ज्यादा की बात नहीं कह रहा हूँ, हाँ। लेकिन सरकारी नौकरियों में जो आप ये आपने भी ये चीज देखा होगा कि जिसमें हाई स्कूल पास मांगते हैं वहाँ पर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तक वहाँ अप्लाई करते हैं, ये हमेशा रहा है। जैन साहब चपरासी की नौकरी के लिए कब पीएचडी अप्लाई करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कब अप्लाई करते हैं सर, आप तो वकील हैं पेशे से कम उतना कहिए, उतना जो हाई स्कूल वाली के लिए जरूर पीएचडी कर देंगे और एमए वाले कर देंगे, लेकिन पांचवी पास के लिए चपरासी के लिए कहाँ कर देंगे सर। विशिष्ट बीटीसी में टीचर बनता है, मास्टर बनता है भैया, चपरासी नहीं बनता, मास्टर और चपरासी में अंतर है पाठक साहब, मास्टर चपरासी में अंतर कर पाठक साहब, पाठक साहब आपको याद आता है कभी कि चपरासी के लिए पीएचडी और एमबीए और बीटेक और एमटेक अप्लाई किया हो, अभी ऐसा नहीं हुआ और ये खुलासे भी तब हुए और तब आप चर्चा करने की स्थिति में, क्योंकि इसमें ऑनलाइन आवेदन हुआ, अगर ऑनलाइन आवेदन नहीं होता तो शायद ये जानकारी में नहीं आता। लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर आप बताइए कितने दावे थे, सरकार के एक मंत्री एकदम सक्रिय भी दिखा रहे थे, लेकिन जिस तरह से पेपर आउट से लेकर के खुद उन्होंने जब छापे डलवाए तो जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि लेखपाल के लिए 12-12 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, उतना ही पैसा लेकर के एक व्यक्ति पकड़ा भी गया, और उसको न तो अमिताभ अग्निहोत्री ने पकड़वाया, न समाचार प्लस ने, न मैंने, सरकार की एजेंसी ने ही पकड़वाया, और जितने के आरोप थे उतना ही पैसा लेकर पकड़ा गया। जब पेपर हुआ, परीक्षा हुई, तो गोरखपुर में जिस तरह से एक व्यक्ति के सामने पर्चे हल करते हुए पाया गया, वहां के जो जो लोग जांच कर रहे हैं वो कर रहे हैं इसको मिलान किया जाएगा तो पाया जाएगा। राज्य में परीक्षाओं की हालात ये है कि पीसीएस तक के पेपर आउट हो जाते हैं, अभी लेखपाल की भर्ती की परीक्षा हुई, लखनऊ में 113 परीक्षा केंद्र बनाए गए जिसमें केवल 8 परीक्षा केंद्र सरकारी स्कूल थे, बाकी सारे प्राइवेट थे। तो परीक्षाएं अच्छी हो, व्यवस्थित हो, शुचितापूर्ण हो, ये सारे सवाल खड़े हैं, तो लोगों को लगता है कि कहीं भरो ऑनलाइन सरकारी नौकरी की बात आप करें तो हर विभाग में लाखों लाखों पद खाली पड़े हैं, उसके बावजूद भी चपरासी के लिए जा रहे हैं, सवाल इसलिए और ज्यादा गंभीर हो जाता है। ये जो आरोप लगा रहे हैं, जहाँ जो पद खाली हैं उन पदों पर गायत्री, ये विजय जी की आवाज बढ़वा दो, मुझे रोजगार का संकट तरीके से हुई है, और जो पैसा लेने की बात कह रहे हैं अभी तक कोई जानकारी भी इससे कहीं पे कोई पकड़ नहीं है, और पैसा अगर कोई कुछ बता के ले रहा है गुमराह करके, अरे जैन साहब हमने तो नहीं पकड़ा ना, आपकी एसटीएफ ने पकड़ा, नहीं तो जेल जाएगा। एक मिनट विजय जी, एक मिनट एक मिनट एक
में रुको भाई, जैन साहब मैं विजय पाठक जी की तरफ से, जैन साहब एक मिनट, सबकी तरफ से मैं उत्तर दिए देता हूं, ठीक, उसको सुन लो आप। जिस विभाग की परीक्षा थी उस विभाग के मंत्री ने कहा, हमें पता लगा है, इन्वर्टेड कॉमा में कोट कर रहा हूं, आप वकील हैं आप जानते हैं एफिडेविट कैसे दिया जाता है, एफिडेविट दे रहा हूं समझिएगा, उन्होंने मंत्री जी ने कहा हमें पता लगा है सरकारी अधिकारी रैकेट चला रहे हैं, 10-10, 12-12 लाख रुपया ले रहे हैं, कोई हमारा नजदीकी बता रहा है, कोई किसी के नजदीकी बता रहा है, हमें सब पता है और हम निगाह रखे हुए हैं कौन सरकारी अधिकारी रैकेट चला रहे हैं, चलाएंगे नहीं, प्रेजेंट टेंस में बोला चला रहे हैं, तो रैकेट तो चला ना। अब विजय पाठक उसको बोले या सुरेंद्र राजपूत बोले, अमिताभ बोले, इससे क्या फर्क पड़ता है, मंत्री जी ने माना ना कि रैकेट चल रहा था। अरे आप उनसे ऊपर हो गया, ये तो, लेकिन ये सरकार की सक्रियता है और सरकार की सफलता है कि अगर कोई आदमी उसमें लिप्त है, लिप्त पाया नहीं, तो कार्रवाई किसी पर नहीं हुई ना, वो सिर्फ बता रहे हैं, इसको आप सफलता कह रहे हैं कैसे? कितने एसडीएम और डीएम आपने गिरफ्तार कर लिए रैकेट के आरोप में, कितने डीएम एसडीएम गिरफ्तार हो गए, कितने पकड़े, कितने गए, आरोप तो फिर बोला क्यों था, फिर बोला क्यों था, झूठ बोला था, इसका मतलब क्यों बोला कि रैकेट चला रहे हैं एसडीएम, क्यों बोला, ये सरकार की सक्रियता है। नहीं, ये अपने अधिकारियों के ऊपर अनर्गल आरोप लगा देगी, कैबिनेट मिनिस्टर से नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर है, अनर्गल आरोप लगाएगा, नौकरशाह को दबाव में लाने को पता लगता है कि बरेली में करोड़ों से ऊपर गाड़ी में रुपए आ रहे हैं और इंटेलिजेंस को नहीं पता लगता है, मुख्यमंत्री के व्हाट्सएप पे ये बात आती है। अरे जब आपको ये पता लग जाता है कि गाड़ी में रुपया है तो रैकेट क्यों नहीं पता लगते हैं, जैन साहब ये बताओ, आप तो इतने सक्रिय हो कि आपको रुपया तक पता लग जाता है किस गाड़ी में किस बैग में रखा पैसा, और आप पकड़वा लेते हो, अच्छी बात है बधाई, तब फिर ये क्यों नहीं पता लगता कौन बाबू कौन अधिकारी माल छाप रहा है भर्ती के नाम पे, जैन साहब भर्ती के नाम पे कोई जो एक एक व्यक्ति को छोड़कर के कोई पकड़ा तो नहीं गया। एक मिनट रुको जैन साहब हाथ कंगन को आरसी क्या है, अरे सुनो भाई, और जैन साहब की सफलता है, ठीक, कोई जो लोग इसमें लिप्त, एक और आईना दिखा दूं, एक आईना और दिखा दो, सुरेंद्र जी अभी ने एक आईना दिखा दूं अपने भाई सुरेंद्र भाई को, जैन साहब को, जैन साहब जी, शिवपाल जी ने कल कहा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में एफिडेविट दे रहा हूं, धैर्य से सुन लीजिएगा, पहले पुलिया के लिए 4-5 करोड़ रुपया आता था, ठीक, उन्हीं की बात बोल रहा हूं, अपना एक भी शब्द नहीं है, पहले पुलिया के लिए 4-5 करोड़ आता था, सुरेंद्र जी सुनिएगा, अब हमने उसको 3-4 गुना बढ़ा दिया, भाई अब तो लिफाफा छोटा कर दो, अब तो माल बड़ा है, अब तो अमाउंट कम कर दो कमीशन का, अभी भी कम नहीं कर रहे अधिकारी कमीशन, ये क्या है भाई जैन साहब, ये सत्यनारायण कथा हो रही है क्या जैन साहब, ये सरकारी कामों में पैसा, इसीलिए जो बजट पास होता है आप देख लीजिए, अरे वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, बजट की बात मत बताओ भाई, जो आदमी पैसा पहले से इन्वेस्ट करके काम कर रहा है और उसको पहले पेमेंट मिलता है 2 साल के बाद, तो इसीलिए अतिरिक्त पैसा आता है कि उसको कहीं पे नुकसान ना हो, नुकसान आप बात नहीं समझ रहे क्या, जब बात कर रहे हैं नहीं आप समझ नहीं पाए, ना माफ करिए जैसा माफ करिए आप समझ नहीं पाए, तो शिवपाल जी ने तरीके से उसे बताएंगे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक तो आप पढ़ते नहीं अखबार, अपने नेताओं के वक्तव्य भी नहीं पढ़ते, पूरे पढ़ा करिए आपके नेता क्या बोल रहे हैं, नहीं पढ़ते हैं, समझ रहा हूं, नहीं पढ़ते हैं ना, मैं शर्त लगा सकता हूं नहीं पढ़ते, अगर पैसा, अरे आप, मैं शर्त लगा सकता हूँ आपने वो वक्त भी नहीं पढ़ा, फिर पैसा वो बचत करेंगे, केसी जैन जैन साहब घोटाला होगा, जैन साहब मैं शर्त लगा सकता हूँ आपने वो वक्त भी नहीं पढ़ा, मैं शर्त लगा सकता हूँ आपने वक्त भी नहीं पढ़ा, वरना आपको भी मेरे जैसे शब्द याद होते, उन्होंने कहा कमीशन का लिफाफा छोटा कर दो, फायदे का नहीं कमीशन का, दलाली का, समझ गए ना आप। अच्छा जैन साहब तो जैन साहब इस सवाल सुरेंद्र जी आपके पास आएंगे बहुत संक्षेप में जैन साहब ये जवाब दीजिए, ये जो इतने पद खाली पड़े हैं तमाम विभागों में, उनको सरकार क्यों नहीं भरती, मान लिया आपकी बात कि ये पिछली सरकारों का नतीजा है, लेकिन आपकी सरकार में भी तो तमाम विभागों में पद खाली पड़े, उनको क्यों नहीं भरा जाता और काबिल लोग भी हैं? नहीं ऐसा नहीं कि भरा नहीं जा रहा जाती जी, आप देखिए जो टीईटी पास रखा जो
टीटी वाले भी घूम रहे हैं सड़कों पर। आप देखिए 72,825 जो पद थे, अरे वहाँ लाठी चल रही है, कहाँ भर्ती किया भैया उनको, भरा गया। और फार्मासिस्टों को 3,000 को परसों ही बैठे थे अविताभ जी के साथ, वो लोग उम्मीद करते कि 60,000 से ऊपर भरे नहीं गए, सवाल पूछ रहे थे, आप जवाब देने की जिम्मे थे। और तब जैन साहब आप भी थे, जैन साहब आपको या तो जानकारी नहीं है, आप जानबूझकर ऐसा बोल रहे हैं। छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये व्यवस्था की बदहाली है या फिर सरकार बेरुखी अपना रही है जिसके चलते इतनी तादाद में बेरोजगार है। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजय बहादुर पाठक जी, वही सवाल, ये मसला क्या है, क्या ये व्यवस्था की बदहाली है या फिर सरकार की मंशा नहीं है? गायत्री जी, सरकार की मंशा भी नहीं है और व्यवस्था की बदहाली भी है जी। स्थिति ये हो गई कि आजकल जो नौकरियों पर, आज ही मुझे एक सज्जन ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया और उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में अब 3 टर्म हो गए हैं। पहले किसी एग्जाम के लिए प्री होगा, फिर मेन होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर हाई कोर्ट होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट होगा, और इन सारे में जब आप पास होंगे तब आपको नौकरी मिलेगी। तो स्थितियां ये हो गई हैं कि जितनी नौकरियां हैं वो नौकरियां कहीं कहीं नियमों में परिवर्तन कारण शिथिलता, नियमों में शिथिलता के कारण कोर्ट में जाके फंस जा रही है। अब आप एक इसी परीक्षा को ले रहे जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो मुद्दा आप लेकर आई है कि अगर इस मुद्दे का समाधान करना होगा तो जितने लोग आवेदन किए हैं, आप ही ने बताया कि लगभग 4 साल लग जाएंगे। स्वाभाविक रूप से इसमें नियमों में बदलाव करना होगा, और जैसे ही नियमों में बदलाव होगा स्वाभाविक रूप से लोग नौकरी नहीं पा रहे तो कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट जाएंगे तो फिर ये मामला फंसेगा। यानी ये एक आशा, हर बार आशा उम्मीद लगा करके व्यक्ति भरता है और वो निराश होता है, जब वो उसको पाने की 2 कदम बढ़ता है तब तक उसके हाथ में निराशा लगती है। कुल मिलाकर के स्थितियां यही हैं। बेरोजगारी भत्ते से लेकर के सारे सवालों पर अगर आप चर्चा करेंगी सरकार को लेकर के, तो लगातार हम मुद्दों को चर्चा करते रहते हैं, उससे कहीं कहीं व्यक्ति निराश हुआ है। होना ये चाहिए, क्योंकि इस पूरे बहस में एक मुद्दा ये भी आपने लिया, तो मुझे लगता है सेकंड सेगमेंट पे ये भी होना चाहिए कि होना क्या चाहिए। होना ये चाहिए कि जो भर्ती की परीक्षाएं हो रही है, जो व्यवस्थाएं बन रही है, वो पारदर्शी हों। जी जी। और जब पारदर्शी होंगे तो स्वाभाविक रूप से कोर्ट से लगाए बहस तक में, जैसे कई बार किसी जैन साहब को बहस में झेपना पड़ता है क्योंकि उत्तर नहीं है, उत्तर सरकार के मंत्रियों के पास भी नहीं है, यही कारण है कि वकीलों के पास उत्तर नहीं है। जब वकीलों के पास उत्तर नहीं तो ये मामले कोर्ट में फंसते हैं। क्यों नहीं पारदर्शी व्यवस्था बनाती है ये सरकार? चपरासी की नियुक्ति करनी थी। जैन साहब आप सुन रहे हैं मुझे? एक सवाल भैया मेरे जहन में आता है, जो बात विजय पाठक जी ने कही उसी के संदर्भ में जी। मैं 10-12-15 साल पीछे जाता हूं, ठीक, जब उत्तर प्रदेश में सरकार भी थी और भर्तियां भी होती थी, बेरोजगार भी थे, यानी सब था, जो आज है वो सब था, ठीक, यही बाबू लोग परीक्षा कराते थे। मुझे याद नहीं, मुझे वीर बहादुर का कार्यकाल, नरेंद्र जी का कार्यकाल, श्रीपति मिश्रा का कार्यकाल, रामप्रकाश गुप्ता का कार्यकाल, कल्याण सिंह, राजनाथ, ये तमाम लोग कार्यकाल देखे, क्या ऐसा कभी याद आता है आपको अपने स्मरण और शक्ति पर जोर डालने पर कि 100 में 100 नियुक्तियां अदालत में रोक दी गई हों? ऐसा कभी हुआ 100 में 1-2 अदालत फंस गई हो अदालत में? संभव है, लेकिन 100 में 100 अदालत में फंस गई हो, ऐसा कभी हुआ क्या जैन साहब? देखिए अमिताभ जी, समय के साथ लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी है। अच्छा। और ये लोगों की जागरूकता का नतीजा है कि छोटे छोटे मैटर पे लोग कोर्ट जा रहे हैं। तो इसका मतलब भर्ती बैठक भी नहीं होगी? मैं समझ गया आपकी बात, इसका मतलब कभी भर्ती नहीं होगी? नहीं नहीं, भर्ती होगी, नहीं होगी, साफ सुथरे ढंग से काम हो रहा है। नहीं, लोग तो जागरूक रहेंगे, लोग होना भी चाहिए। अरे भाई, क्या 2017 में लोग गैर जागरूक हो जाएंगे कि तब भर्ती हो जाएगी? नहीं, जागरूक होना भी चाहिए, तो फिर क्या ऐसे काम चलेगा? लेकिन लेकिन अमिताभ जी, जो भर्तियों का मामले की जो प्रश्न उठ रहा है, आप ये देख लीजिए कि जैसे 500 एमबीबीएस की सीटों की वृद्धि, और जैन साहब के धांधली पहले भी थी, इसके पहले ये तो स्वरोजगार करेंगे, और साथ में इनके इनके अंदर में जो लोग काम करें उनको भी रोजगार मिलेगा। कौशल विकास के अंतर्गत लगातार लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है इस तरीके का, कि वो स्वयं का रोजगार स्थापित कर सके। साथ में जैसे एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस के द्वारा जो एम्बुलेंस सुविधा, 108 और 408 पर मैंने अहमद हसन का दुख देख लिया जैन साहब, मैंने अहमद हसन साहब का दुख देखा है 108 पर, वो दुखते प्रसंग मत छेड़ो, अहमद हसन साहब ने सिर दीवार में दे मारा था। 128
शिक्षकों की भर्ती की गई है। अरे छोड़ो भाई 108 और 400 महाविद्यालयों में सुरेंद्र राजपूत जी के लिए ठीक है जनता ठीक है फिर आएंगे आपके पास भैया चल रही है फिर आएंगे सुरेंद्र जी हर क्षेत्र में भर्ती चल रही है आएंगे फिर आएंगे जैन साहब रुको एक मिनट थोड़ा पॉज ले लो सुरेंद्र जी जी महाराजा जनक के महल में सीता स्वयंवर का मंच सजा बाणासुर फलाना सुर ये राजा चोल राजा फलान राजा डिकान राजा लंकापति सब आ गए हैं बली महाबली और धनुष नहीं टूटा बेटी के बाप होने के नाते जनक को निराशा हुई जो बात जैन साहब ने कही कि भाई जागरूक हो गए लोग तो अब जागरूकता तो लगातार बढ़ेगी प्रकृति का नियम है तो इसका मतलब आप भर्ती की उम्मीद मत करो वो सब अदालत में फंसेंगी अब जैन साहब एक मिनट रुको भाई एक मिनट रुको अरे बात तो सुन लो जनक ने कि मालूम क्या कहा जब कोई नहीं तोड़ पाया वो तो भला हो कि राम आ गए सामने और बाद में सीता जी बिहार ली गई जनक ने कहा तजहु आस मैं बेरोजगार बच्चों से कह रहा हूं अपने उत्तर प्रदेश के तजहु आस निज ग्रह ग्रह जाई लिखा न विधि वैदेही विधाता ने वैदेही के भाग्य में विवाह नहीं लिखा मुझे लगता आप लोग आशा तजो अपने अपने घर जाओ भैया जगह खाली करो क्योंकि ये नहीं कहा जा रहा सुरेंद्र जी मेरा सवाल सुन लीजिए ये नहीं कहा जा रहा कि कितनी भी जागरूकता बढ़ जाए अमिताभ जी हम इतनी पारदर्शी भर्ती करेंगे कि अदालत में जाने की जगह ही नहीं बचेगी ये नहीं कहा जा रहा लोग सयाने हो गए इसलिए अदालत में है सुरेंद्र जी अमिताभ जी तर्क वितर्क करें समझ में आती है केसी जैन साहब तो वैसे भी विद्वान प्रवक्ता हैं ये जब अगर कभी ये वकालत वाला कुतर्क कर रहे हैं इस वक्त क्षमा के साथ कह रहा हूं सच्चाई ये है कि आप इस चीज को देखें अनिल यादव वाले प्रकरण को आप देख लें कि पीसीएस में उन्होंने कैसे 3 बार रिजल्ट देने का मादा चेंज किया कि साहब पहले हम टेलीफोन नंबर खाली रखेंगे फिर खाली नाम देंगे उनका पता नहीं देंगे सिविल सर्विसेज की तरीके से उनका क्या नाम रोल नंबर नाम और एड्रेस नहीं देंगे और उसके बाद न जाने क्या क्या किस किस तरीके की उन्होंने पारदर्शी व्यवस्था को छुपाने का जितना भी काम किया जो पहले से जो क्या नाम 500 साल से पारदर्शी व्यवस्था चली उसको छुपाने का जो काम किया अनिल यादव ने वो पलपरेट होकर के नीचे तक आता जा रहा है आप इस चीज को देखें कि पिछले 15 सालों में सच्चाई यह है कि अगर आप कल्याण सिंह जी के टाइम की संविदा की भर्तियां देख लें शिक्षा मित्रों की उसके अलावा आप हमको ये बता दीजिए कि रेगुलर भर्ती कब हुई सारी की सारी ये जितनी भी आपकी रीजनल पार्टीज की गवर्नमेंट है इन्होंने कानून को विधि सम्मत चीजों को पारदर्शी चीजों को ताक पर रख दिया यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल वो सारा काम कर रहे हैं कि जो इनकी सत्ताधारी दल का नेता कहता है हरियाणा की तरीके से वो काम होगा और उसी तरीके से मैं आपको बता दूं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि जिस प्रकार हरियाणा में कानून ने फिर अपना डंडा चलाया है उसी तरीके से कानून अपना डंडा उत्तर प्रदेश में भी चलाएगा इतना मुझे भरोसा है ठीक है मैं आपको बताऊं राष्ट्रीय दलों की जब तक यहां सरकारें थी तब तक यहां पर कांग्रेस की आखिरी सरकार 89 उस समय तक भी भर्तियां हुई हैं और अगर आप पारदर्शी व्यवस्था रखते हैं 100 में से 2 केस हो 4 केस हो 5 केस हो वहां पर बेईमानी की गुंजाइश हर एक के ऊपर आरोप लगते थे लेकिन 100 में से 100 पूरे कुएं में भांग पड़ी हो ये तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जहां जहां रीजनल पार्टी की सरकारें हैं वहां वहां ये बात होती है विजय जी एक समस्या मुझे और भी लगती है सुरेंद्र जी आप भी सुनिएगा जैन साहब शायद आगे काम आएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सबसे बड़ी भर्ती का प्रामाणिक सेंटर उसके अध्यक्ष के गुनाहों की फेरिस्त हाई कोर्ट ने मांगी है कि भाई ये किस किस एक्ट में इनका चालान हो चुका वो लाओ ठीक वो कितने योग्य हैं सामने आ गया उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन आयोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग उसके अध्यक्ष सनील कुमार जिनने एटा में एक बड़ा क्रांतिकारी भाषण दिया था उस भाषण पर नहीं अभी जाऊंगा है ना किसकी मौजूदगी में उनके सारे डिग्री तलब कर ली हाईकोर्ट ने पूछा भाई ये तो काबिल ही नहीं इसको बनाया क्यों उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग हायर एजुकेशन में भर्ती करने का एकमात्र रास्ता एकमात्र संस्था वहां के 4 सदस्यों को हाईकोर्ट ने यह कह के दीवार कर दिया काम करने से रोक दिया हटा दिया कहा यह तो नाकाबिल है
कहा जो आदमी इंटर कॉलेज में मास्टर रहा वो डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल सेलेक्ट कर रहा है, हटाओ इसको, फिर भर्ती कैसे पारदर्शी हो? पाठक जी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जी, यह भी इस पर भी सवाल है और सहकारी सेवा मंडल पर भी सवाल है। और आप देखिए ना अमिताभ जी कि किस तरह कन्फ्यूजन की सरकार है, लेखपाल का पद एक ही होता है ना, एक चकबंदी का लेखपाल, एक राजस्व का लेखपाल है, एक लेखपाल की परीक्षा टीसीएस करा रहा है और एक लेखपाल की परीक्षा अधीन सेवा चयन बोर्ड करा रहा है, लेखपाल एक ही है, यह है स्थिति जी। सुरेंद्र जी, जिन लोगों को भर्ती करना है उन लोगों को अदालत इस लायक नहीं मान रही तब कैसे काम चले? सर, जिन लोगों को भर्ती करना है उन लोगों को जिन्होंने भर्ती किया है। अब अनिल यादव की बात आप ले लीजिए, हम लोग अनिल यादव में वर्तमान सरकार के पूरी तरीके से विरोध में हैं, लेकिन अनिल यादव को जिस सरकार ने सदस्य बनाया था उसके खिलाफ भी उतनी ही बातें होनी चाहिए और वो भी रीजनल पार्टी की सरकार थी। आप इस चीज को देखिए कि यहां रीजनल पार्टीज के मुखियाओं ने किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाते हुए निर्लज्ज तरीके से जो काम किए हैं उन कामों को आगे अंजाम उनके कारकुन दे रहे हैं। मैं आपको एक बड़ी छोटी सी घटना बताता हूं, एक बड़े प्रभावशाली मंत्री, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने इलाहाबाद फोन किया इन्हीं तीनों आयोगों में से एक को और कहा भाई कि फलाने फलाने की भर्ती करनी है, आप जरा हमसे बात कर लीजिए। उन्होंने कहा कि साहब उसकी तो भर्ती हो ही नहीं सकती क्योंकि उसके तो 75% से नीचे नंबर है। तो उन मंत्री जी ने सिर्फ एक बात कहकर के फोन रख दिया कि दोबारा फोन मत करना, के नंबर तो तुम्हारे भी कम थे, तुम कैसे हो गए? और उसके बाद मैं आपसे बताऊं, मैं आंखों देखी किस्सा बता रहा हूं अमिताभ जी, उसके बाद उस चयन आयोग के अध्यक्ष का 3 बार फोन आया और उस मंत्री ने 3 बार रिफ्यूज किया बात करने से। चौथी बार जब फोन आया गिड़गिड़ा करके कहा कि साहब वो काम मैंने कर दिया, कहना ठीक है। सच्चाई यह है कि पूरे कुएं में भांग पड़ी है, जिस आदमी को सरकार ने सेलेक्ट किया संवैधानिक पद में बैठाया उस आदमी की स्थिति यह है। जैन साहब यहां पर, ठीक बात, जैन साहब यहां पर अगर कानून अगर काम हो तो किसी को दिक्कत ही नहीं। जिन लोगों को चयन करना है, अरे बात सुनो भाई, आरोप लगे थे, अरे जहां बात सुनो ना, जिन लोगों को चयन करना है, अरे बात सुनो यार, जैन साहब मेरा निवेदन सुन लीजिए जी, जी मेरा निवेदन प्रभु, जिन लोगों को चयन करना है से सरकारी सेवाओं में उन चयनकर्ताओं को हाई कोर्ट इलाहाबाद अयोग्य बता रहा है, क्या करें बताओ? देखिए अमिताभ जी, जो विधिक तरीका है उसके हिसाब से इन लोगों को रखा गया है और कहीं पे अगर कोर्ट का ऑब्जेक्शन आता तो उसमें इन लोगों को वहां वहां पे संशोधन किया गया सरकार की ओर से। और जो भर्ती का मामला है, देखिए जैसे मेट्रो का काम चल रहा है लखनऊ में, अब इसमें हजारों हजार लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा तो रोजगार सृजन की तरफ उत्तर प्रदेश सरकार, यहाँ मेट्रो का सवाल नहीं है, यहाँ जो भर्ती आयोग के प्रश्न पर है उन पर सवाल जवाब है, उससे विषय से बाहर भाग जाते हैं। अमिताभ जी एक सूचना और दे देंगे, विधिक पर सवाल तो कोर्ट ही उठा रहा है जैन साहब, अगर आप विधिक तरीके से काम कर रहे हैं तो फिर कोर्ट क्यों सवाल उठाता है? क्यों कोर्ट उन भर्तियों को नियुक्तियों को रद्द कर रहा है? यही तो बात मैं कह रहा हूं और गायत्री जी कई बार की उत्तर प्रदेश अपनी एक विधि सम्मत मानवीय त्रासदी की ओर बढ़ रहा है। और मैं आपसे बताऊं, मेरी सूचना है कि एक चीज और मैं खाली कि मेरी सूचना है यहां पर और कि कल फिर से वापस ले रहे हैं ये जो आपका जो लोकायुक्त का जो बिल अभी लाए थे इसमें भी ये भी वापस ले रहे हैं। बहस रखी गई इस मुद्दे पे, ये जो फार्म भरने का तरीका रहा इंटरनेट से सबने फार्म भरा, सरलता से घर बैठे लोग फार्म भर रहे हैं, फिर इसकी फीस जीरो थी, जब एक रुपए नहीं लग रहा है तो जो देखिए वो फॉर्म डाल दे रहा है। इसमें देखना तमाम सारे लोग जो है इसमें इंटरव्यू में भी नहीं जाएंगे। कैसे जैन साहब, क्या कोई रोजगार वाला चपरासी के लिए आवेदन कर रहा है? आपने किया या मैंने किया, मेरे बेटे ने किया या आपके बेटे ने, विजय बहादुर जी के बेटे ने किया? इन सब लोगों ने, जिन लोगों ने किया है वो सारे के सारे बेरोजगार हैं। उन्होंने कोई मजाक के लिए नहीं किया, कृपया करके बेरोजगारों का मजाक ना उड़ाएं, ये मेरी विनम्र आपसे प्रार्थना है। सुरेंद्र जी आप मजाक उड़ा रहे हैं,
ये मजाक उड़ा रहे हैं कि फ्री में आवेदन है तो इसलिए कर दीजिए। चपरासी का आवेदन नहीं, फ्री में भी नहीं करेगा। से इनकार नहीं कर सकते कि इन सारे सवालों में जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं। जैन साहब टीटी पास भी तो सड़कों पर है, आपस में लड़ा दिया आपने शिक्षा मंत्री पास को। मुख्यमंत्री यदि संजीदा हो देखिए जो टीटी पास घटनाएं रुक सकती है, क्योंकि उनके संजीदा होने पर अगर राज्य की पुलिस नोट पकड़ सकती है गाड़ी से, तो उनके संजीदा होने पर ये घटनाएं भी रुक सकती है। कहीं ना कहीं उनकी सक्रियता पर सवाल है। शिक्षा बीएड बीटीसी पास जिन लोगों को रखना था उसमें एक डाटा ये आया कि जितना जितनी सीटें हैं और जितने बीएड पास है उसके कई गुना ज्यादा लोग जो है भर्ती में, तो 70-70 जिलों से लोगों ने अप्लाई किया था उसमें। अरे भाई वो मेरी बात समझिए, यहाँ पे 368 पोस्ट है और एक ही जगह पर है, अलग अलग जिलों पर नहीं है। आप बेरोजगारों का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? जैन साहब 30 जिलों में थे। जैन साहब तथ्य दुरुस्त कर लो मित्र, यहाँ अलग अलग जिलों बार भर्ती नहीं है। 368 सचिवालय में है और 23 लाख वहीं पर पद आए हैं, वहीं पर आवेदन आए हैं। आप बेरोजगारों का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं जैन साहब? सब 0 रुपये फीस है उसमें, फीस कुछ है ही नहीं है। अरे भाई क्या बेरोजगारी तो कर रहे हैं, पीएचडी बेरोजगार कर रहे हैं, आप कागजी समझ रहे हैं? क्या चपरासी से भी फीस लेने के मन में है क्या? अरे ये क्या क्या जैन साहब, मतलब जैन साहब तो हमेशा बहुत अच्छी बात करते हैं। नहीं नहीं फार्म की फीस 0। जैन साहब इस तरीके से संवेदनहीन बात करना आपसे सुना नहीं दे रहा। सबके लिए 0 तो फीस 0 होने के कारण जो देखिए वो बस अप्लाई कर दे रहा है। और अरे भाई कैसे कर, भाई कैसे करेगा? आपने किया क्या? पासी पास मांगा गया है तो आपने किया क्या? मैंने किया क्या? उत्तर प्रदेश में गायत्री ने किया, विजय बहादुर जी ने किया, इनके बच्चों ने किया। आप बताए मुझे चपरासी किसका बच्चा बनना चाहता है? आप रिजल्ट फॉर्म डलवा दीजिए। नहीं करवा दीजिए, बनना चाहता है मुझे ये बता दें आप। आप तो आरोप बेरोजगारों पर ही लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं बेरोजगार। भाई किस पर आरोप लगा रहे हैं आप? समझिए कौन लोग चपरासी के लिए जैसा बेरोजगार है वो इसलिए क्योंकि हर विभाग में पद खाली पड़े हैं। अगर वो पद भरे होते और तब ये लोग होते सड़कों पे, तब भी आप सवाल उठा सकते भर रहे हैं। इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, आसानी से लोग फॉर्म भर रहे हैं और फीस 0 है। अच्छा ये करेंगे कैसे आगे बता दीजिए। सिर्फ एक ये कारण है, जिस बहस को चैनल लेके आया है आप इसकी प्रक्रिया कैसे पूरी करेंगे जरा यही बता दीजिए। प्रक्रिया का जो तरीका है उससे प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कैसे करेंगे? 23 लाख लोग आवेदन आ गए, इंटरव्यू की क्या व्यवस्था करेंगे और कैसे कैसे करेंगे? इंटरव्यू की सुचारू व्यवस्था, आपकी सरकार का समय तो निश्चित है ना। सरकार है तो कहा कि मजाक में कर दिए लोगों ने, और उठा सकता है इंटरव्यू। आप समझिए बात को, और सरकार अगर आप कहें तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आपको सरकार पेश कर रहा है। जैन साहब हमने पीएचडी वालों का भी बाइट ली, हमने उनसे भी जानने की कोशिश की, कई लोग इंजीनियर थे उनसे भी जानने की कोशिश की, उन्होंने तो कहीं ये नहीं कहा कि हमने मजाक में फॉर्म भर दिया है। उन्होंने कहा कि हम बेरोजगार हैं, कहीं कुछ मिल नहीं रहा है इसलिए हमने अप्लाई किया है। के लिए 1652 पद महाविद्यालय प्रवक्ता के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है, और चिकित्सा क्षेत्र में है जो जिस क्षेत्र में है उनके लिए उस क्षेत्र में लगातार भर्तियां निकल रही प्रदेश सरकार के द्वारा। आप देखिए अभी फार्मासिस्टों की भी भर्ती की गई है। कितनी नियुक्तियां हो गई अब तक? और 2128 आंकड़े बता दीजिए कितने लोगों को नियुक्ति आपने दे दी। चलिए हम सब लोग स्वीकार कर लेंगे जो आप कह देंगे। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, 3000 फार्मासिस्टों की तो मेरी बिल्कुल जानकारी। कितने नियुक्ति दे दी गई है? और हाँ उनको नियुक्ति दे दी गई है, ज्वाइन कर लिया है। 21,028 चिकित्सकों को कर लिया गया है, महाविद्यालयों की भर्ती चल रही है और टीईटी पास वालों की चल रही है। 3000 तो आपको लगता है पूरे सूबे में लोगों को नौकरी मिल गई है? नहीं नौकरी देखिए सूबे में अभी उत्तर में जो चल रहा है, आप देखिए बेटों के काम से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, और जो प्राइवेट कंपनियां आ रही इनमें भी लोगों को। ठीक है जैन साहब नेटवर्क छोड़िए, भर्तियां उन्हीं पर दे दीजिए, दे दीजिए। बैंकें खोली जा रही है, गायत्री हेल्पलाइन अगर आप कहें जी बहुत संक्षेप में, पिछले तीन साल में 85,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, और पिछले एक साल में 20 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं केंद्र की सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश की सरकार का आंकड़ा बता दूं कि 85,000 करोड़ में सिर्फ 5,000 करोड़ का मूर्त रूप लिया है, ठीक है काम शुरू हुआ है 85,000 करोड़ में 7% जी बिल्कुल। आप देखें
आप देखें कि सरकारी के अलावा प्राइवेट जी, कागजों में सारे काम हो रहे हैं जी, आप ये कहना चाह रहे हैं अमिताभ जी से संपर्क करें। जैन साहब से मैं एक निवेदन करूंगा, एक बात से मैं बड़ा हर्ट हुआ। एक तो किसी भी प्रगतिशील समाज और राज्य और राष्ट्र के लिए ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि चपरासी के पद के लिए मारामारी हो, और उच्चतर योग्यता रखने वाले बच्चे अप्लाई करें, और उनके लिए जब हम ये कहें कि भाई फीस नहीं रखी इसलिए लोग आ गए, नहीं, ये प्रश्न नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं बेरोजगारों का अपमान होता है। एक तो हम उनको उनकी योग्यता के अनुरूप नौकरी नहीं दे पा रहे, ऊपर से ऐसी बात बोलेंगे क्या, इससे उनका मन और टूटेगा। जैन साहब ये ध्यान रखिए, ये लोग इसी प्रदेश के लोग हैं। आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी कि पीएचडी वाला अप्लाई करे? और एक बात मैं कहता हूं, 403 विधायक हैं आपके यहां असेंबली में, सर्वे करा लीजिए, एक भी विधायक का बेटा भर्ती के लिए अप्लाई किया है चपरासी में? 80 सांसद है, एक भी सांसद का बेटा अप्लाई किया? किसी कलेक्टर कप्तान का बेटा अप्लाई किया क्या? ये कौन लोग हैं? ये उत्तर प्रदेश का गरीब आम आवाम है। हम लोग किसी बात बोल रहे हैं, और मूल प्रश्न वहीं पर खड़ा होता है। जैन साहब कितना भी भटको, कहीं भटक आओ, अंत में आना उसी मूल स्थान पर पड़ेगा। ये जागरूकता सवाल नहीं है कि जागरूकता के चलते मामले अदालत जा रहे हैं। मां वकील तो हमेशा से रहे इस समाज में, कोई वकील पहली बार पैदा हुए उत्तर प्रदेश में? ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि चयन करने वालों की नियत पारदर्शी नहीं है, अन्यथा सारे आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य उच्च न्यायालय की फटकार के पात्र क्यों हैं? पूरे प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में मास्टर और प्रिंसिपल चयन करने का अधिकार जिस आदमी को आपने दिया, सनील कुमार, उनकी शिक्षा पर हाईकोर्ट ने सवाल खड़ा कर दिया। ये बात समझ नहीं आती क्या? पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बड़े अधिकारी तय करने का अधिकार जिस आयोग के पास है, उसके अध्यक्ष क्यों का आपराधिक विवरण हाईकोर्ट मांग रहा है कि इन पर कौन कौन से मुकदमे हैं? ऐसे लोगों से काम कराएंगे तो परिस्थितियां कैसे सुधरेंगी? फिर अदालतें हस्तक्षेप क्यों नहीं करेंगी? और आपने कहा टीटी में बहुत अदब, लेकिन पूरी जिम्मेदारी और दृढ़ता से कहता हूं, टीटी वालों को नौकरी नहीं मिली अभी, वो सब सड़क पर हैं, सब सड़क पर हैं। शिक्षा मित्र हाईकोर्ट के आदेश से सड़क पर आ गए, टीटी पहले से सड़क पर है, बीटीसी वाले सड़क पर है, बीएड वाले सड़क पर है। सड़क पर कौन नहीं है, कौन नहीं है ये बताओ। आप आंकड़ा दे रहे हो, 3000 फार्मासिस्ट भर्ती कर दिए, 23 करोड़ का सूबा, 3000 भर्ती कर दिए आपने, जय जयकार करें, रोली चंदन लगाए, नारियल और शॉल भेंट करें क्या? नहीं, ये समझने की विषय। मैंने शुरुआत की में बहस में कहा था, मैं पार्टी और सरकार पर सीधे नहीं इसको किसी को दोषी ठहराता, ये व्यवस्था की कमी है, ये लगातार सरकारों की उपेक्षा का परिणाम है, लेकिन आपने उसको बिल्कुल गलत दिशा में ले गए बहस को। अदालतें कोई बात कहती हैं उसका मान क्यों नहीं रखते आप? क्या ये नहीं होना चाहिए था कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव नाम है ना, अनिल यादव को जिस दिन हाई कोर्ट ने कहा था कि इनके आपराधिक विवरण लाओ, उसी दिन हटा दिया जाता? आज जब दिन में कहा, उसके सनील कुमार जो बनाया है आपने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष, इसकी डिग्रियां फर्जी हैं, जब यह मामला अदालत के पास चला गया तो आपने उसको विड्रॉ क्यों नहीं कर लिया? उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के 3 सदस्यों को हाईकोर्ट ने काम करने से डिबार कर दिया, आपने क्यों नहीं ऐसे गलत लोगों को क्यों चुन के भेजा? ये सवाल नहीं उठेंगे क्या जैन साहब? ईमानदार लोग प्रक्रिया पूरी करेंगे तो अदालत में नहीं जाएगी प्रक्रिया। एक और उदाहरण देता हूं आपको, तमिलनाडु में भी भर्ती हो रही है जैन साहब, आंध्रा में भी हो रही है, महाराष्ट्र में भी हो रही है, कहीं आपने सुना हर भर्ती अदालत में गई हो? बताओ, हमारे ही घर में ये बवाल क्यों? वहां जागरूकता की कमी है क्या महाराष्ट्र में? अब ये मत कह दीजिए कि नहीं यूपी में जागरूकता ज्यादा है, महाराष्ट्र में कम है, कोई नहीं मानेगा। महाराष्ट्र में क्यों समस्या नहीं, आंध्रा में समस्या क्यों नहीं, तमिलनाडु में समस्या क्यों नहीं, कर्नाटका में समस्या क्यों नहीं, केरला में समस्या क्यों नहीं?
दिल्ली में समस्या क्यों नहीं, क्यों नहीं? कोई तो कारण होगा। सारी समस्याएं घनीभूत होके हमारे ही प्रदेश के आंगन में आके अपना शिविर गाड़ ली क्यों? हमको भी आत्मचिंतन करना चाहिए, आलोचना का स्वागत करना चाहिए, सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। और सबसे ज्यादा दुख मालूम कब होता है मुझे, जब यह पता लगता है कि 10 लाख से ऊपर सरकारी पद ऐसे हैं जो कल सुबह भर दिए जाएं, उसके बाद मारा मारी, पहले 10 लाख बच्चे तो नौकरी पाए, उसके बाद बाकी की देखेंगे क्या हो सकता है, फिर और फाइलें टटोलेंगे भाई, और कहां कहां खाली है, ट्रेन खाली, फिर वही रूपक इस्तेमाल करूंगा, ट्रेन खाली और प्लेटफॉर्म पर लोग लहूलुहान हो रहे हैं। क्यों? ट्रेन खाली चलने के लिए है? एडवोकेसी का सिस्टम क्यों नहीं खत्म करते आप लोग? क्यों तदर्थवाद चले? परमानेंट आदमी नहीं रखो, बोले रामलाल को रख लो फिर आगे देख लेंगे। जिस दिन आप रामलाल को कंफर्म करने की कोशिश करेंगे उस दिन अदालत बीच में आ जाएगी। तदर्थवाद पर क्यों रखना चाहते हैं लोगों को? स्थायी नियुक्तियां क्यों नहीं होती? क्यों चलता है तदर्थवाद पर सिस्टम जो बाद में नासूर बन जाए, जैसा हमारे शिक्षा मित्र और टीटी वाले बच्चों के बीच में बन गया, पूरा प्रदेश अशांत हो गया। क्यों पहले सोच लेते, ये परिस्थितियां नहीं बनती। मैं यही निवेदन करूंगा, लखनऊ और दिल्ली और सारे राजनीतिक दल और हम सब भी मिलके सोचें, जैन साहब रास्ता आगे का गहन अंधकार में डूबा है, जान लीजिए ये अलार्म है जिसने हमको बताया है कि असली तस्वीर देखो, 368 चपरासी के पदों के लिए 23 लाख बच्चा मारामारी कर रहा है। आज नहीं जागे तो कल देर हो जाएगी, सिर्फ ये कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ेंगे। जैन साहब आपका, सुरेन जी आपका, विजय बहादुर पाठक जी आपका, मिताब जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए। बिग बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए समाचार प्लस।